नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डीआरडीओ के एक टेस्ट को लेके, जो कि आज ही कंडक्ट किया गया है 10:30 AM पे। ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है SFDR का, यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का। इसको लेके हम बात करेंगे और इस टेस्ट में क्या कुछ अचीव करने की कोशिश की गई है, उन सभी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सो आज SFDR का जो थर्ड टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया है। पहला टेस्ट कंडक्ट किया गया था 2018 में, सेकंड टेस्ट कंडक्ट किया गया था 2019 में, और थर्ड टेस्ट आज कंडक्ट किया गया है ITR चांदीपुर से। टेस्ट को आज भी ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटी से कंडक्ट किया गया है। यहाँ पे जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है उसकी मानते हो तो बूस्टर को लेकर जो सेपरेशन है बूस्टर मोटर का, वो आपका अकॉर्डिंग हुआ है। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे बूस्टर दिया गया है, क्योंकि आप इसको टेस्ट कर रहे हो ग्राउंड से। अगर ये फायर किया जाएगा फाइटर जेट से तो वहाँ पे जो बूस्टर है वो नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये एक A2A मिसाइल है। और यहाँ पे हम एक्सटर्नल बूस्टर की बात कर रहे हैं, उस बूस्टर की बात नहीं कर रहे हैं जो कि मिसाइल के अंदर दिया गया है। बूस्टर बेसिकली आप इसलिए देते हो कि आपको एक सफिशिएंट मार्क नंबर प्लस जो प्रेशर रेशियो है वो अचीव हो सके, जिसके बाद जो आपका रैमजेट है वो शुरू किया जा सके। तो जो एक इनिशियल बूस्ट है, पंच है, वो आपके बूस्टर मोटर दे देते हैं। तो यहाँ पर जो बूस्टर का सेपरेशन है वो आपके पैरामीटर पे हुआ है। आज के टेस्ट को कंडक्ट करते वक्त कई सारी जो नई तकनीक है उनको प्रूव किया गया है। ऐसा नहीं कि टेस्ट किया गया, उनको प्रूव किया गया है। सीन से आपके लिए नई तकनीक है, आप पहली बार इसको बना रहे हो। और वैसे भी दुनिया में भी इस तरह के जो SFDR की तकनीक है वो चुनिंदा देश ही कर सकते हैं, और एक कंट्री ने ही उसको एप्लीकेशन में लाया है, फ्रांस ने, अपने मीटियर के साथ। इस टेस्ट के टाइम पे ग्राउंड बूस्टर का इस्तेमाल करके एक मिसाइल को एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जाया गया, और उसके बाद जो A2A मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री होती है वो परफॉर्म कराया गया है मिसाइल से। बूस्टर यहाँ पे नोजल लेस है। ये मिसाइल के अंदर वाले बूस्टर मोटर की बात हो रही है यहाँ पे, वो नोजल लेस है। कहने का अर्थ ये होता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी जो नोजल है वो नहीं दिया गया है, वो आपके बूस्टर मोटर को बनाते वक्त ही एनग्रेव किया जाता है। यहाँ पे मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री को ट्रैक किया गया है इलेक्ट्रोप्टिकल सिस्टम रेडार और टेलीमेट्री से। तो जिस तरह का भी आप प्लान कर रहे थे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने को लेके, वो आपने यहाँ पे अचीव किया है आज। अगर मिसाइल में बात करते हो तो DRDO के कौन कौन सी लैब इन्वॉल्व है, तो DRDO की लैब DRDL, RCI और HAMRL। SFDR की बात करोगे तो ये एक एयर ब्रीदिंग इंजन है, मतलब अपने फ्यूल को बर्न करने के लिए एयर की हेल्प लेता है। और उसके लिए जो एंटेक है वो यहाँ पे दिए गए हैं, आपको नीचे दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली काम कैसे करेंगे, सपोज करो कि टारगेट है वहाँ पे आपको मिसाइल को फायर करना है। यहाँ पे जैसे आप इसको एयरक्राफ्ट से फायर करोगे तो जो उसका नोजलेस बूस्टर है वो बर्न होगा, जो कि आपके मिसाइल को एक डिजायर्ड मार्क नंबर और प्रेशर को अचीव करवाएगा। यहाँ पे एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन उसमें भी जो एडिशन है वो आपका नोजलेस बूस्टर कर देगा, जिसका जो बर्न आउट टाइम है वो आमतौर पर 15 सेकंड से लेके 45 सेकंड के बीच में होता है। और जैसे ही जो एयर इनलेट के पास वो डिजायर्ड प्रेशर पे पहुंचती है, फिर जो आपके इनलेट पोर्ट है वो खुलेंगे और वहाँ पे उनके फ्लो को आप कंट्रोल कर पाओगे। और यहाँ पे ये जो एयर इनलेट के थ्रू आ रही होगी, इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो ऑलरेडी बढ़ चुका होगा एयर के रैम होने की वजह से, और उसको आप और भी कंट्रोल करोगे। यानी कि सस्टेनर के बीच में और बूस्टर के बीच में जो एक डक्ट है वो दिया जाता है, जिसमें एक पोर्ट होता है जिसके थ्रू जो एयर है वो पास होती है, और वहां से आप एयर के फ्लो को कंट्रोल करते हो। तो कहीं के जो बर्न रेट है वो आप कंट्रोल करोगे जितना आप एयर भेजोगे उसके अमाउंट से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एयर में ऑक्सीजन होता है और उसकी हेल्प से ये अपने फ्यूल को बर्न करेंगे। हालांकि फ्यूल में जो ऑक्सीडाइजर है वो दिए जाते हैं, लेकिन उनका जो अमाउंट है वो मिसाइल के रेंज और स्पीड को डिजाइन किए गए पैरामीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाला जाएगा। और यहाँ पे एयर के ऑक्सीजन की हेल्प से ज्यादातर जो फ्यूल है उनको बर्न किया जाएगा। तो यहाँ पे जो बर्न रेट है वो आपके कंट्रोल में है, और जब भी आपका जो बर्न रेट है वो आपके कंट्रोल में होता है तो उस केस में आपके मिसाइल के पास पर्याप्त पावर होगी या नहीं होगी, इसको लेकर जो दुविधा है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि मिसाइल अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उसी अकॉर्डिंग ढालने में सक्षम हो जाता है। जैसे मिसाइल को लॉक किया गया है एक लंबी दूरी पर टारगेट को हिट करने के लिए, तो उसको एक लंबी दूरी ट्रैवल करना है तो अपने बर्न रेट को वैसे ही कंट्रोल कर लेगा कि एक लंबी दूरी अचीव करने के बाद भी उसके पास एंड गेम में पर्याप्त पावर हो, ताकि वो कैसे भी टारगेट को हिट कर सके, चाहे वो टारगेट मैनुवरेबल हो या फिर कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर हो। तो इस तरह के मिसाइल को लेकर जो एडवांटेज है वो ये होता है आपके पास कि जो किल प्रोबेबिलिटी होती है वो आपको हायर मिलती है, 60 से ऊपर मिलती है, जो कि डबल है डुअल पल्स मोटर के कंपैरिजन में। डुअल पल्स मोटर में क्या होता है, वहाँ पे भी आपको जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह ही दिया जाएगा, मतलब दो सॉलिड फेज होंगे, लेकिन वहाँ पे एयर की वजह से जो बर्न रेट का कंट्रोल है वो दोनों मोटर्स के लिए आपके पास नहीं होते हैं। वहाँ पे दोनों मोटर सेपरेट बर्न होते हैं, जिस तरह के भी ऑक्सीडाइजर दिए जाएंगे उनके फ्यूल में उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे सस्टेनर इन दोनों के बर्न रेट को आप कंट्रोल करते हो। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक नोजल लेस बूस्टर दिया गया है। नोजल लेस हम इसलिए कह रहे हैं कि जब आप मोटर को ढाल रहे थे उसी समय मिसाइल के एंड पे जो एक नोजल है आपने एनग्रेव कर दिया है, तो ये आपका नोजल लेस बूस्टर है। बीच में जो आपका डक्ट है वो दिया जाता है, जिसके थ्रू जो रैम एयर है वो पास होती है और उसको आप कंट्रोल वहाँ पे करते हो। साइड में सस्टेनर है वो भी दिया गया है, जो कि कनेक्टेड आपके रैम एयर से भी। तो यहाँ पर टेक्निकली कहने का अर्थ ये हो गया कि आप फ्यूल को बर्न करने के लिए जो रैम एयर है उसका इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर तकनीक का जो नाम है वो रैमजेट दिया गया है। बीच में आप डक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट है। तो ये तो बात होगी प्रोपल्शन की। सामने आपको जो वॉरहेड है वो दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पर जो ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो दिए गए हैं, फिर फ्यूज के साथ साथ जो सीकर है वो दिया गया है फ्रंट में। मोस्ट प्रोबेबली इस्तेमाल करने वाला है कि यू बैंड ऐसा सीकर का, जिसको DRDO ने बनाया है और हाल ही में शोकेस किया गया था एयर इंडिया के टाइम पे। तो वो जो ऐसा सीकर है वो यहाँ पे प्रोबेबली इस्तेमाल करेगा, जो कि स्पेशली बनाया गया है
एंटी एयरक्राफ्ट टारगेट के लिए या फिर एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए। यहाँ पे इसके फीचर्स की बात करते हो, सिंस ये नोजललेस बूस्टर है तो आपको जरूरत नहीं है कि बूस्टर के बर्न हो जाने के बाद बूस्टर को आप सेपरेट करो। एक बार इस नोजललेस बूस्टर में जो भी फ्यूल है वो बर्न हो जाता है तो इस चैम्बर को आप इस्तेमाल कर लोगे कम्बशन चैम्बर के रूप में आपके सस्टेनर के लिए। SFDR के प्रोपल्शन में जो स्मोक की मात्रा है वो कम है, यानी कि एक स्मोकलेस प्रोपल्शन होने जा रहा है। बर्न रेट की यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे जो हाईएस्ट बर्न रेट है वो 39 mm/s का आप अचीव कर सकते हो। स्पेसिफिक इम्पल्स की बात करते हो, मतलब वो एनर्जी जो एक पर्टिकुलर फ्यूल बर्न होने के बाद जब बाहर निकलेगा नोजल से तो उस मोमेंट पे वो बाहर निकलते वक्त कितनी एनर्जी आपको दे के जाता है, प्रोपेल करके जाता है, वो कहलाता है आपका स्पेसिफिक इम्पल्स। और यहाँ पे वो चीज़ दी गई है 1000 से लेके 1200 सेकंड के बीच में, जो कि रैमजेट मोड में होगा। यहाँ पे जो मिसाइल का एक्शन टाइम है वो 200 सेकंड का है मैक्सिमम, जहाँ पे दोनों फ्यूल है सस्टेनर और बूस्टर वो बर्न हो जाएंगे, जबकि -45 से +71 degrees के बीच में ऑपरेट करने में सक्षम है। तो इस तरह का जो प्रोपल्शन है वो आपके अस्त्र मार्क 3 में लगेगा, जिसको लेके ऐसी उम्मीदें हैं कि 2023 में अस्त्र मार्क 3 को इंडक्ट कर लिया जाना है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आपके 2024 के शुरू में उसको इंडक्ट कर लिया जाएगा। अभी इस साल के अंत तक जो भी डेवलपमेंटल ट्रायल है वो कंडक्ट किए जाएंगे, उसके बाद जो आपके यूजर ट्रायल है वो 2022 में कंडक्ट किए जाएंगे, और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो ऑर्डर है वो 2023-24 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो टाइमलाइन है वो तब है जब सभी चीज़ें आपके अनुकूल चलेंगी। फिर अस्त्र मार्क 3 के रेंज की बात करते हो, वो अस्त्र मार्क 3 के टाइम पे आपके फ्यूल का वॉल्यूम है और उसकी जो क्वालिटी है वो तय करेगा, लेकिन जो अनुमानित आंकड़े हैं उसकी मानते हो तो रेंज इसकी 300 किलोमीटर तक हो सकती है। जिस तरह का जो एक्शन टाइम है वो दिया गया है उसको देखते हुए आप ये चीज़ कह सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।